ये किसी अन्य उसने लिए या किसी महकमे के आदमी ने लिया, किसी पार्टी के लिए या उनके ने लिया, किसी और के लिए, उसका दो दिन में जवाब दे, अन्यथा हमारी टीम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। रेवाड़ी में क्लर्क भर्ती पेपर लीक मामला तूल पकड़ रहा है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बयान पर बीजेपी नेता ने चेतावनी दी है। भाजपा नेता सतीश कोला ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जहाँ तो कैप्टन यादव अगले दो दिनों में इस बात के पुख्ता सबूत दें कि पेपर लीक होने संबंधी उनके पास क्या प्रमाण है, अन्यथा उनकी टीम कैप्टन यादव पर केस दर्ज करवाएगी। पूर्व मंत्री श्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने कल अपने घर पर कार्यकर्ताओं को या आप लोगों के माध्यम से हरियाणा की सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि जो क्लर्क भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें 15-15 लाख रुपए देकर के पेपर लीक हो रहा है। बाकी की और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने की जिसकी जानकारी पूरी मेरे पास नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से श्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी को ये कहना चाहता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ कि अगले दो दिन में वो इसकी पूरी पुख्ता जानकारी दे कि उनके पास कोई व्यक्ति या कोई ऐसा जरिया है कि जिसमें 15 लाख रुपए किसी व्यक्ति ने लिए या किसी अन्य उसने लिए या किसी महकमे के आदमी ने लिया, किसी पार्टी के लिए या उनके ने लिया, किसी और के लिए, उसका दो दिन में जवाब दे, अन्यथा हमारी टीम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। आपकी नजर में उनकी छवि कैसी है? देखिए, मैं व्यक्तिगत बात नहीं, राजनीतिक रूप से वो पलटू राम है। वो जब मंत्री थे आए दिन इस्तीफा देते थे, यहां भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, ये मेरा आखिरी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव मेरा बेटा लड़ेगा, कल वो कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव मैं खुद ही लड़ूंगा। तो अब कैप्टन अजय सिंह यादव की कोई विश्वसनीयता नहीं है, ना कोई मुद्दों की बात करते, ना कोई राजनीतिक रूप से कोई ज्यादा महत्व उनको देता है। मैं तो उनको देता नहीं हूं, लेकिन इस तरह के आरोप लगा करके एक पारदर्शी शासन पर जो वो लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में अहीरवाल में इसी प्रक्रिया के दौरान, जो प्रक्रिया भर्ती की चल रही है इसके दौरान 100% पारदर्शी रूप से यंग बच्चों को, नौजवान बच्चों को नौकरियां मिली हैं। एक भी जो नौकरी भर्ती हुआ लड़का या लड़की ये नहीं कह सकता कि हमने किसी के माध्यम से पर्ची दी, किसी के माध्यम से खर्ची दी। 100% ईमानदारी से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव को मिला है। तो जब सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है, वो इतनी बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके शासनकाल में इतनी नौकरियां नहीं मिली जितना अब पारदर्शी शासन में मिला है। तो वो अब मैं समझता हूं कि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। चुनाव स्टंट भी हो सकता है चुनाव के टाइम में। देखिए, उनकी विश्वसनीयता ही नहीं है। वो चुनाव में तो क्या बात करेंगे, मुकाबले में ही नहीं है किसी तरीके से। देखिए, ये तो इसका जवाब तो माननीय सांसद जी ही देंगे, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पर जिम्मेदारी रही है। उस समय कैप्टन अजय सिंह यादव रेवाड़ी के विधायक थे और मंत्री भी थे। उनके शासनकाल में रेवाड़ी में काफी अनेकों महकमों में गबन हुए, जिसका समय समय पर हमने जांच भी कराई, उनके सामने भी रखा। तो वो किस मुंह से पारदर्शी शासन की और विश्वसनीयता चलता रहा तो मेरे जैसे बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे इनकी जांच कराने वाले।